Hey guys, welcome back to my channel, The Glam Mom. After a very long time, sorry guys for not posting any video in past few days. Actually, मैं थोड़ा सा busy थी, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ एक chit-chat video लेके. गाइज आज का वीडियो होने वाला है एक चिट चैट वीडियोज़. आप लोगों के बहुत सारे मुझ पर क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्यों नहीं वीडियोज़ डाले हैं. सो उन्हीं का आंसर देने आज मैं यहाँ पे आई हूँ. सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो. थैंक यू सो मच इतनी कंसर्न एंड केयर दिखाने के लिए. एक्चुअली आप लोगों के बहुत सारे DMs मुझे मिले हैं इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब में कि मैं कहाँ चली गई, वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है. सो मैं पहले कहना चाहती हूँ मैम कम्प्लीटली फाइन, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है इंस्टाग्राम में तो पहले इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए वहाँ पर, क्योंकि मैं कभी कभी पोस्ट डाल देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो गाइस मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के घर. कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है. सो मेरा होम टाउन कोटद्वार, तो आफ्टर कोरोना के बाद में पहली बार वहाँ पे गई थी. तो जब मैं फैमिली के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है सारा टाइम फैमिली के साथ ही बिताना चाहिए. सो मैं इधर नहीं पोस्ट कर पाई वीडियो. उसमें उसी बीच मेरी एक नीस का बर्थडे भी था वहाँ पे, सो उसका मैंने एक व्लॉग डाला था, आप लोगों ने देखा होगा. उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला. सो मैं सारा अपना टाइम वहीं पर उनके साथ ही स्पेंड करी थी, बिकॉज आई बिलीव कि आप कभी कहीं जाते हैं तो अपना सारा टाइम उन्हीं को देना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम होते हैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं. सो उनको मैंने वेस्ट नहीं करा एंड मैंने सारा मजा उन्हीं के साथ करा है. सो अब मैं आई हूँ यहाँ पे लौट के. तो अब मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी. कुछ और वीडियो डालने से पहले आई थॉट कि मैं एक चिट चैट वीडियो बना लेती हूँ, जो आपको कोई क्वेश्चन है उनका मैं आंसर दे देती हूँ. ठीक है. सो गाइज मैं देख लो कम्प्लीटली फाइन हूँ एंड अब से मैं वीडियो डालूंगी. तो मेक श्योर अगर आप मैंने कोई भी वीडियो डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच, मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे इसमें यूट्यूब में, उसका भी मैं थैंक यू नहीं बोल पाई आप सब लोगों को. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए. इतना सपोर्ट दिया है कि मुझे अभी एक साल भी नहीं हुआ है यूट्यूब में एंड मैंने अपना चैनल मोनेटाइज भी कर लिया है. तो 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, बहुत सारे मुझे कोलैबोरेशन वीडियोस भी आते हैं एंड थोड़ी बहुत इनकम भी चालू हो गई है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू देम बिकॉज इतना बिलीव रखने के लिए और मुझे थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए कि आप कर सकते हैं. बिकॉज यूट्यूब में कुछ भी करना मेरा मतलब हमारा तो फोटो ही नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बट थोड़ा बहुत जो भी आता था कुछ लोग फ्रेंड ने मेरे उन्होंने मुझे बोला कि आप करके देखिए ज़रूर अच्छा होगा एंड हुआ है अच्छा. सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने सपोर्ट करा है. फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर थे वो मैंने किस तरीके से करे हैं मुझे ही पता है. उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोगों ने मेरा चैनल को बढ़ाया है, आप लोगों ने मेरे वीडियोस लाइक करे हैं, कुछ मेरे काफ़ी ज़्यादा 1000 केज वीडियोस भी हैं, व्यूज़ हैं वीडियोस में. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू. मेरा बस एक ही काम है आप लोगों की हेल्प करना, बिकॉज जितना मुझे आता है उस समय थोड़ा सा 50% या 10% भी आप लोगों को दे पाऊँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी. सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा लव आप लोगों के लिए. एंड गाइस मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आप लोग कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं एंड मैं उनका आंसर नहीं कर पाती हूँ एक साथ. सो अब मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी आपके पास क्वेश्चन होंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है या फैशन से रिलेटेड, कहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, कुछ भी चीज़ों से अगर आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो के DM आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं या आप इंस्टाग्राम में मुझे DM भी कर सकते हैं. तो मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने की ट्राई जरूर करूँगी. मेरी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, मेरा 4 साल का बेटा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, क्या मैं अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज करती हूँ, जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई होप कि मैं उनका आंसर दे पाऊँ अच्छे से, जो आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज करने में हेल्पफुल हो. सो आई बिलीव कि मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी बहुत एडवाइस देती हूँ तो लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है. तो अगर भी आपको भी कोई एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं. किड से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, कैसे मैंने अपने बेबी को कोरोना के टाइम पे एंगेज रखा है, कैसे मैंने उसकी पढ़ाई कराई है, इसका भी मैं एक वीडियो जरूर बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारी मॉमीज़ भी मेरे साथ ऐड हैं जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रबल रहती हैं बच्चों को लेकर. तो
उसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों को आंसर जरूर करूंगी. सो आप लोग देख लीजिएगा, आपको जहाँ अच्छा लगे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कहीं भी हो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी. सो गाइज, यही था मेरा चिट चैट वीडियो. एंड इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके क्वेश्चन लिख सकते हैं. एंड अगर आपको लग रहा है कि आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते क्वेश्चन, या आपको लगता है कि मैं आपका नेम नहीं लूँ उस क्वेश्चन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं. तो मैं ना नेम नहीं लूँगी, पर कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है. सो गाइज, यही था आज का वीडियो. आई होप आपको थोड़ा बहुत लगा होगा, मेरे वीडियो थोड़े थोड़े हेल्पफुल लगे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके जल्दी आऊँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.